दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक एंड नेशनल स्कॉलर। आज की इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे एफएओ की पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑलमोस्ट 700 इंटर्नशिप्स की अनाउंसमेंट हुई है जो कि फुली पेड हैं। 700 $ तक स्टाइपेंड आपको मंथली मिलेगा और डिफरेंट इंटर्नशिप्स की डिफरेंट लोकेशंस हैं, मीन कि किस कंट्री में आपने परफॉर्म करनी है। सो ये आपको उधर से ही पता चल जाएगा। आप इटली में कर सकते हैं, यूरोप के किसी कंट्री में कर सकते हैं या किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में कर सकते हैं। उसके बाद ये जी बैचलर, मास्टर और पीएचडी किसी भी क्लास का स्टूडेंट इनमें से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टाइमलाइन इसकी जो हर वैकेंसी है उसकी डिफरेंट है, सो ये भी आप उसी वैकेंसी से ही कन्फर्म करेंगे कि उसकी टाइमलाइन क्या चल रही है। उसके बाद फाइनेंशियल बेनिफिट में $ आपको 700 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद मेडिकल कवरेज होगी। लैंग्वेज आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर हो तो वेल एंड गुड है। उसके बाद जो एज है वो 21 एंड 30 के दरमियान होनी चाहिए जब आप इंटर्नशिप स्टार्ट करें। उसके बाद इंटर्नशिप लोकेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इटली या यूरोप का कोई भी कंट्री, अदरवाइज कोई भी डिवेलपिंग कंट्री जहाँ पे आप ये एक्टिविटीज जाके परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में कवर लेटर, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास अवेलेबल हों। उसके बाद एडिशनल स्किल्स, कोई भी आपने एडिशनल स्किल हासिल किया हो उसका सर्टिफिकेट आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस और CV। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हुए। एक बार आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर ली, देन आपने डिफरेंट वैकेंसीज पे जस्ट क्लिक करना है, अप्लाई करना है, अपनी रिव्यू करनी है प्रोफाइल, और देन फाइनली आपने सबमिट करता जाना। सो अभी चलते हैं इनकी वेबसाइट पे और आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या प्रोसेस है। जी, तो हम आ गए FAO की वेबसाइट पे। इधर आपने ये नीचे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, इधर लिंक उन्होंने अटैच किया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन आगे एक लॉगिन पेज शो होगा, उधर आपने पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। इधर आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, जस्ट आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई एज सच डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सिंपल आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद एजुकेशन में भी इसी तरह आपने अपनी एजुकेशन की फिलिंग करनी है। इधर FAO इंस्टीट्यूट, ये सर्च पे आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, सो उधर से आपने चूज करना है। उसके बाद ये बाकी सारी सिंपल ही है फिलिंग। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, करंट जॉब जो भी कर रहे हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं या अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं, इधर उन्होंने प्लेस दी हुई है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ये जी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का ओपन हो गया। इधर आप अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पुट करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट्स, इधर कोई भी आपने सर्टिफिकेट हासिल किया हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो आप इधर पुट कर सकते हैं। इधर सेलेक्ट के ऑप्शन पे आप आएंगे तो डिफरेंट सर्टिफिकेट्स इनकी तरफ से डिस्प्ले भी हो जाएंगे जो कि एक्सेप्ट करते हैं। सो इधर से आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद किस कंट्री से आपने किया है उसको आपने इधर पुट कर देना। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये इधर उन्होंने कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि आप पे कोई केस किसी मुल्क से आप निकाले गए हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं, ये आपने फिलअप कर लेना। उसके बाद फाइल अटैचमेंट्स पे आपने वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। इधर आप चूज़ करेंगे और नीचे अटैच करते जाएंगे। उसके बाद इधर रिव्यू एंड सबमिट, अपनी एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे और फाइनली आप अपनी ये अपनी प्रोफाइल जो है वो सबमिट कर देंगे। जी, तो जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल सबमिट कर देंगे उसके बाद आपने आ जाना है जॉब सर्च पे। जैसे ही जॉब सर्च पे आएंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जिधर वन पेज पे ऑलमोस्ट 25 जो हैं वैकेंसीज वो दी हुई हैं और टोटल 128 पेजेस हैं जो कि ऑलमोस्ट बन जाती हैं 700 तक वैकेंसीज। सो इधर जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल लगती है उसमें आपने अप्लाई करते जाना है। जैसे आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, आगे आएगा रिव्यू योर प्रोफाइल, उसमें आप कोई एडिटिंग करना चाहते हो थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आपने सबमिट कर देना है। सो इतना सा प्रोसेस है इसमें अप्लाई करने का। सो लाजमी अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप यूरोप में भी जा सकते हैं और किसी भी दूसरे मुल्क में जाके आप खिदमत कर सकते हैं। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।